नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक बुद्धिमान नौकर की है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक जमींदार शहर को निकला। रास्ते में उनके किसी मित्र ने उन्हें भुनी हुई मुर्गी और बढ़िया अंगूर के रस की बोतल उपहार में दी। तभी जमींदार ने देखा कि उनके घर में काम करने वाला एक नौकर सामने से चला आ रहा है। उसने उसे आवाज देकर कहा कि यह झोला घर लेते जाओ और सीधे बावर्ची खाने में रख देना, लेकिन याद रहे घर जाते वक्त इसे रास्ते में खोलना मत। इसमें एक कीमती चिड़िया बंद है और एक सीसी में जहर है। अगर पिटारा खोला तो चिड़िया उड़ जाएगी। बहुत कीमती चिड़िया है, उन्होंने नौकर को हिदायत दी। उनका नौकर कम उम्र का बेशक था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। पिटारे से निकलती महक से वह असलियत ताड़ गया और जैसे ही उसका मालिक आंखों से ओझल हुआ, उसने एक सुनसान जगह पर जाकर वह झोला खोला और दोनों चीजें चट कर गया। जमींदार जब घर पहुंचा तो उसे पता चला कि झोला तो बावर्ची खाने में पहुंचा ही नहीं। लाल पीले होते हुए वह नौकर की तलाश में निकला। वह उसे एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोता मिला। जमींदार ने उसकी पीठ पर कसकर एक ठोकर मारी और बोला, ओ नमक हराम, उठ। नौकर आंखें मलता हुआ उठ बैठा और जमींदार को देखकर पलके झपकाने लगा। उसके सिर पर नशा सवार था और आंखें मुदी जा रही थीं। जमींदार ने पूछा कि तुमने झोला बाबरची खाने में क्यों नहीं दिया? हुजूर माफ कर दें, मुझसे कसूर हो गया, नौकर ने सफाई पेश करते हुए कहा। मेरे हाथ से झोला छूट गया और उसमें बैठी चिड़िया उड़ गई। जमींदार समझ गया कि चालाक नौकर उसे बेवकूफ बना रहा है। अब उसे चिड़िया उड़ने की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उसने स्वयं ही कहा था कि चिड़िया कीमती है और उड़ जाएगी, जबकि वह अच्छी तरह समझ रहा था कि चालाक नौकर ने भुनी मुर्गी चट कर ली है। तभी उसे अंगूर के अर्क की याद आई और उसने पूछा, उस अर्क का क्या हुआ? मेरा मतलब है, उस जहर का क्या हुआ? क्या वह भी फुर से उड़ गया? जमींदार दहाड़ा, नहीं मालिक, हुआ यह कि मैं अपनी लापरवाही के कारण आपकी डांट खाने के ख्याल से इतना डर गया और सोचा कि आत्महत्या कर लूं। यही सोचकर मैं सारा का सारा जहर पी गया। अब यहाँ लेटकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अलविदा मेरे मालिक, नौकर ने बड़ी संजीदगी से अपनी सफाई दी और फिर लेटकर आंखें मूंद लीं, मानो सचमुच मरने का इंतजार कर रहा हो। जमींदार ने आग बबूला होते हुए उसे एक ठोकर लगाई और लौट गया। उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि अपनी चालाकी के कारण उसे एक मामूली नौकर के द्वारा बेवकूफ बना दिया गया। काश उसने सच बोला होता तो नौकर की क्या मजाल थी कि उसके माल पर हाथ साफ करता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।